आज हम बनाएंगे गार्लिक बटर नान। इसके लिए हमें लगेगा मैदा, नमक, बेकिंग पाउडर, चीनी और कुकिंग ऑयल। इन सब को एक साथ मिला करके इसका अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। डो हमारा रेडी हो गया। इसे हमने 15 मिनट सेट करने के लिए रख दिया था। अब इसके हम बारीक बारीक गोलियां बना लेंगे। ये गार्निशिंग का सामान है, बटर, कटा हुआ गार्लिक, हरी धनिया, कलौंजी, कुकिंग ऑयल और थोड़ा पानी। ये थोड़ा सूखा मैदा है, ये गोली बनाने के लिए काम आएगा। अब इस डो की हम लोई बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से लोई बनाने के बाद में इसे शेप देना है। ये देखिए, आप इसे तंदूरी रोटी की तरह गोल भी शेप दे सकते हैं या इस तरह का जो ढाबे पे मिलता है उस तरह का शेप भी आप दे सकते हैं। जो बटर नान मिलता है ढाबे पर उसका शेप दे सकते हैं। इसके लिए हमने इस पर लगा दिया है कुकिंग ऑयल। अब हम इस पर कलौंजी डाल रहे हैं। ये देखिए, अब हम इस पर कटा गार्लिक डालेंगे। अब हम कटा हरा धनिया डालेंगे इस पर। अभी हम इसे हल्के हाथ से प्रेस करेंगे ताकि ये सब अच्छी तरह चिपक जाए। ये देखिए, फर्स्ट क्लास। देखिए, ये देखिए किस तरह सब चिपक गए। अब हम एक गैस पे कढ़ाई रख देंगे। आप कढ़ाई की जगह फ्राइंग पैन, कुकर, जो मर्जी चाहे बर्तन ले सकती हैं। ये देखिए, अब हम इसके पीछे पानी लगा देंगे। पानी से होगा ये कि ये अच्छी तरह चिपक जाएगा और अच्छी तरह सीख जाएगा। ये देखिए, मोस्टली लोगों के घर ओवन नहीं होता इसलिए हम आपको गैस पर आज करके बता रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से इसे चिपका दिया हमने। ये देखिए, इसमें बबल आ रहे हैं, इसका मतलब ये अच्छी तरह से सीख गया है। अब हम इस कढ़ाई को पलटा लेंगे और नीचे से भी सेकेंगे। ये देखिए, ये देखिए कितना गोल्डन बढ़िया हुआ है, बेहतरीन सीखा एकदम। ये देखिए, इस तरह से हम इसे हल्की आँच पर सेकेंगे। ये देखिए, ये देखिए अच्छी तरह से लाइट फ्लेम पर इसे सेकना है। ये देखिए फूल रहा है, मतलब ये पक गया है। ये देखिए हमारा नान रेडी है, बिल्कुल ढाबे जैसा फर्स्ट क्लास नान रेडी है। अब हम इस पर लगाएंगे बटर। बटर लगाने से होगा ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। ये देखिए, हमने इस पर बटर लगा दिया है। ये देखिए, बिल्कुल ढाबे जैसा मिलने वाला गार्लिक बटर नान रेडी है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।